Hello students, today we will discuss about a computer system. इस लेसन में हम सीखेंगे how does a computer work, storage, features of computers, types of computers. कंप्यूटर का क्या काम होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, storage स्टोर क्या करता है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर इसके फीचर्स क्या हैं, एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज मेड अप ऑफ वेरियस डिवाइस दैट हेल्प यू टू एंटर द डाटा इनपुट थ्रू कीबोर्ड्स और माउस प्रोसेसिंग इट यूजिंग द सीपीयू एंड गिव द रिजल्ट आउटपुट विच कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर और प्रिंटर. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत सारे डिवाइसेस से मिलकर बनी है. इसकी सहायता से हम कीबोर्ड और माउस के द्वारा जो भी हम डेटा एंटर करते हैं वो इनपुट कहलाता है, एंड सीपीयू के द्वारा जो प्रोसेसिंग की जाती है या सीपीयू को हम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड गिव द रिजल्ट आउटपुट, और जो हमें रिजल्ट देता है वो आउटपुट कहलाता है जिसको हम मॉनिटर और प्रिंटर में देख सकते हैं. हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क. अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द आईपीयू साइकिल इनपुट प्रोसेस आउटपुट. कंप्यूटर जो है वो आईपीयू साइकिल में काम करता है, वर्क करता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट. इनपुट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस वी गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. द डिवाइस दैट इज यूज टू सेंड इनपुट टू अ कंप्यूटर इज एन इनपुट डिवाइस. डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर में देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, और जो डिवाइस के द्वारा इनपुट कंप्यूटर में दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं. सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर. यहाँ पे कुछ डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस दिए गए हैं जिनमें कीबोर्ड, माउस और स्कैनर हैं. प्रोसेस द कंप्यूटर टेक्स एक्शन ऑन द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर. जो भी डेटा कंप्यूटर में यूजर द्वारा एंटर किया जाता है इट कन्वर्ट्स द डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर. वो प्रोसेसर की सहायता से जो डाटा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, विच इज द सीपीयू, जो सीपीयू में होता है. सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं. द कन्वर्शन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड. और जो डाटा सीपीयू के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं. सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं. इट हैज़ थ्री पार्ट्स. इसके पास थ्री पार्ट्स होते हैं या इसके पास थ्री पार्ट्स हैं. अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसको हम ALU बोलते हैं. द ALU डज अरिथमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन. ALU में हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन जैसे जमा, घटाव, गुणा और भाग करते हैं. मेमोरी यूनिट MU. द MU स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग. MU मेमोरी यूनिट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को जो कंप्यूटर में दिया जाता है और उसके बाद जो हमें उस प्रोसेसिंग करके जो भी रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, उसको वो स्टोर करता है. कंट्रोल यूनिट CU. द CU कोऑर्डिनेट्स बिटवीन ऑल द पार्ट्स ऑफ द CPU. CU जो है वो CPU के ऑल पार्ट्स को क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है. द CU गेट्स डेटा
एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड पासिस देम ऑन द ALU स्टेप बाई स्टेप मैनर। जो CU है वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी यूनिट से पास करता है ALU में स्टेप बाई स्टेप। आउटपुट द रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड आउटपुट। प्रोसेसिंग के बाद जो भी हमें परिणाम प्राप्त होता है, जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से हमें डाटा और इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट हमें प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। द आउटपुट विच इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑफ मॉनिटर कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। जो आउटपुट हम मॉनिटर की स्क्रीन में देख सकते हैं या देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। अ प्रिंट आउट ऑफ द सॉफ्ट कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड। और जब हम सॉफ्ट कॉपी को पेपर में प्रिंट करते हैं उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। सम ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एक्सेट्रा। यहाँ पर कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसको हम मॉनिटर और प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि कहते हैं। स्टोरेज। व्हेन यू हैव फिनिश्ड वर्किंग विद योर डाटा यू कैन स्टोर इट इन अ मोर परमानेंट फॉर्म कॉल्ड स्टोरेज। हार्ड डिस्क, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा आर स्टोरेज डिवाइसेस। जब हम अपना काम फिनिश कर लेते हैं, डाटा के साथ जो भी हमारा काम होता है, कार्य होता है, जब हम उसको समाप्त कर लेते हैं तो उसके बाद हम परमानेंटली उस डाटा को स्टोर कर लेते हैं, जिसे हम स्टोरेज कहते हैं, या जो भी डाटा स्टोर किया जाता है उसको स्टोरेज कहते हैं। हार्ड डिस्क, DVD, पेन ड्राइव इत्यादि आर स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज डिवाइस हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर द प्रोसेस आउटपुट टू यूज इट इन फ्यूचर। भविष्य में हमें इसका यूज करने के लिए जो प्रोसेस आउटपुट है उसको स्टोर करना अति आवश्यक है।